अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी है सुबह का वक्त और मैं अभी भी बस कपड़ा फैला रही थी और ये देखे यहाँ पे चूहों ने क्या किया है। ये चूहों ने पूरा सोफे के अंदर घुस करके सारा फोम कुतर दिया है अंदर से, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं ये सारी सफाई कर रही हूँ, तो मैं बस सीम रिपेयर ढूंढ रही थी। तो मैं सीम रिपेयर ढूंढने के लिए मैंने सोफ़ा हटाया था, तो यहाँ मैंने देखा कि ये चूहों ने पूरा ये अंदर से सारा काट दिया है इस तरह से और पूरा गंदगी कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ये सब सोफ़ा हटा दिया मैंने और ये सब सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये टेबल भी था, तो इसे भी चूहों ने पूरा काट दिया है और ये मतलब टेबल बस गिरने वाले कंडीशन में था। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रीपर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मिल गया था, तो इसी के वजह से मैंने हटाया था सोफ़ा और मुझे ये सब कुछ इतना मेरा काम बढ़ गया। तो यहाँ पे ये देखिए टेबल को भी इसने चूहे ने काट दिया था नीचे से सारा, तो इसलिए मैंने ये इसमें एक लकड़ी लगाया है। ये अलग का वो मुझे मिल गया था बाहर पड़ा मतलब, तो मैंने इसे यहाँ लगा दिया था। और ये मैं टेबल भी सफाई कर लेती हूँ इसी तरह से, क्योंकि ये मतलब कवर रहता ये एरिया, यहाँ पे सोफ़ा रहता है तो ऐसे हाथ जाता नहीं है मेरा, तो यहाँ सफाई हो नहीं पाती है डेली बेस पे, तो इसलिए आज मैं सोफ़ा हटाया था। तो इसे मैं साफ़ कर रही थी इसे भी, तो ये मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया है। और ये इसे मतलब हटा कर सारा सामान लकड़ी वकड़ी इसके नीचे सही से इसे लगा दिया था ताकि ये स्टेबल रहे गिरे ना। ये देखिए ये लकड़ी के पीसेस जैसे आप देख सकते हैं, ये सारा चूहों ने किया, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ये मेरा पूरा वॉशिंग मशीन में चूहा नीचे से घुसकर पूरा ख़राब कर दिया था। तो हम लोगों ने फिर उसे बनवाया, तो हमें बनवाने में मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12,000 समथिंग लगा था। अभी तो फिर मैंने उस सर्विस मैन से पूछा कि मतलब इसमें क्या ख़राबी हुई थी, तो उसने बताया कि वायर हार्नेस सारा मतलब काट दिया था उस चूहों ने, और हमें खोल कर भी जब आया था वो बना मतलब ले जाने के लिए, तो देख शो किया था उन्होंने कि मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से पूरा तार जितना सारा उसमें तार था अंदर का सारा उसने कट कर दिया था। तो मतलब ऐसा हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद ही बन पाए मशीन अपना नहीं बन पाएगा, और मेरा तो मशीन मतलब वो शादी की मशीन थी मेरी और वो इंस्टॉल भी नहीं हुआ था, वो इसी तरह से मतलब शादी मेरी जब से हुई थी वो इसी तरह से रखा ही हुआ था। तो चूहों को भी मौका मिल गया कि मतलब उसके अंदर मतलब उसने तो बच्चे भी दे दिए थे उसके अंदर, और फिर जब हम लोगों ने खोला तो देखा मतलब एकदम हालत उसका बेकार कर दिया था उसने। तो खैर वो हम बन गया और अब मतलब कपड़े भी धुलती हूँ उसी में मशीन में। तो पर ये है हमें नुकसान तो झेलना पड़ा उसका चूहों का, और मतलब बहुत से ऐसे चीज़ है जो मतलब अगर ध्यान ना दो तो ये चूहे जो है कर देते हैं। कपड़े अगर मैं सोफ़े पे रख दूँ तो वो मतलब उसमें से भी वो कुतर कर चले जाते हैं रात में। तो मतलब यहाँ इतने चूहे हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितने चूहे हैं, और बहुत बड़े बड़े से चूहे यहाँ हैं कि, और मतलब हमारे घर के रूम के बाहर कैमरा भी लगी हुई है, तो मैं रात में देखती हूँ कि ये चूहे आते हैं और मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे दिन दोपहर में नहीं दिखते हैं, दिन के वक्त में बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, बट रात में जब से नाटा हो जाता है कोई भी नहीं होता है तो उस वक्त ये चूहे आते हैं और रूम में भी आते हैं हमारे। तो इसलिए बहुत ही मतलब ध्यान से हर चीज़ में ढक वक कर जैसे दूध वूध बच्चों का रखा रहता है
तो उसे बहुत अच्छे से मतलब ढक वक कर तब मैं जाती हूँ सोने के लिए। तो गाइज़ आप लोग भी मतलब कुछ भी ऐसे ही मत रखा कीजिए कि जैसे आप जानते हैं आजकल मतलब कैसी बीमारी चली हुई है, कैसी कैसी बीमारियाँ चली हुई हैं। तो जिन जिन बीमारियों का तो कोई अता पता नहीं था, जैसे ये कोरोना पता नहीं कहाँ से आ गया ये कोरोना। तो जो भी हो तो आप लोग भी मतलब केयर कीजिए और अच्छे से रहिए। और ये देखिए मैंने यहाँ पे खाना बना लिया था, तो यहाँ पे मैंने पूरा वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे मतलब साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग गई थी। तो खाना तो मैंने भिजवा दिया था और ये मतलब शाम के वक्त का मैंने शूट किया था। तो ये हस्बैंड ने लाया था मोमोज, तो ये वेज मोमोज है। तो मैं मतलब ये फ्राई किए हुए थे, तो ये फ्राइड वाले थे, तो ये हम लोग यहाँ पे खा रहे थे। तो ये देखिए ये शैलो फ्राई किए हुए थे बटर में। तो मैं ये आपको यहाँ पे खोल कर दिखाती हूँ कि इसके अंदर कैसे स्टफिंग्स थी। कि वैसे बहुत टेस्टी थी खाने में, मतलब मुझे तो अच्छी लगी। और इसकी जो ये सॉस थे ना, ये भी बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत टेस्टी थे। तो ये देखिए इसके अंदर ये स्टफिंग्स है, इसमें ये पनीर है और आई थिंक ये सोयाबीन की स्टफिंग्स थी इसके अंदर। बट लग पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही थी ये चिकन है कि सोयाबीन है क्या है, बट खाने